भरतोक्त मूर्छना ताने शरज ग्राम तथा मध्यम ग्राम की चतुर्विध मूर्छनाओं में दो प्रकार शेटस्वरी अर्थात शाड़व तथा पंचस्वरी अर्थात औड़व होने के संबंध में उल्लेख किया जा चुका है। ऐसी ही असंपूर्ण अथवा न्यून स्वरा मूर्छनाओं के लिए मूर्छना तान संज्ञा नाट्यशास्त्र में प्रयुक्त है। भरताचार्य के अनुसार शुद्ध तथा साधारण स्वरों से समन्वित संपूर्ण अर्थात सप्त स्वर युक्त स्वरावली के लिए मूर्छना संज्ञा है तथा शारव तथा औड़व स्वरावली के लिए मूर्छना तान संज्ञा है। भरतानुयायी दत्तिलाचार्य का यही अभिप्राय इन श्लोकों से व्यक्त होता है। इत्येता मूर्छनाः प्रोक्ताः शरणाश्चैव वैशिकैः संस्थाप्य मूर्छना में इवायाम् वक्षयान्युगः क्रमः पंचस्वराः षट्स्वराश्च मूर्छनायाः प्रकीर्तितः तनाना ताना स्वतुरशि अस्तु ता एवापते रुद्राहताः। कहे गए श्लोक में सारणाश्चैव वैशिके स्पष्टतः अपपाठ प्रतीत होता है। उसके स्थान पर सारणाश्चैव वैणिके कहने पर मूर्छना के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो सकता है, जिससे अभिप्राय ये है कि वीणा वादक जिस स्वरावली स्थापना को सारणा कहते हैं इसी को गायक जन मूर्छना नाम से संबोधते हैं। साधारण कृता मूर्छनाओं की स्थापना विधि को निर्दिष्ट करने पर पंचस्वरी तथा षटस्वरी मूर्छनाओं के लिए तान संज्ञा का प्रयोग दत्तिल के द्वारा किया गया है तथा ऐसी ताने कुछ 84 बतलाई हैं। प्रतीत होता है कि मूर्छनाओं का वादन करते समय वीणा तंत्री में तनन का कार्य होता है। वीणा की तार को तानने पर नाना विधि स्वरों की निष्पत्ति होती है, ये तथ्य बुद्ध जन विदित है। इसी प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए दत्तिल कहते हैं एवं कृतेति तानत्वे गणयित्वा विनाशिनम विद्वानेताव तिथेशा मूर्छने त्यवधारयेत क्रममुत्सृज्य तंत्रीणाम तनने मूर्छनास्तु यः पूर्णाश्चैव अव्यपूर्णाश्च कूटतानास्तु ते स्मृतः। पेज 313। मूर्छना तानु की प्रक्रिया तथा संख्या के संबंध में भरत का कथन निसंदिग्ध है, जो कि इस प्रकार है तत्र मूर्छना तानाश्च तुरशीतिहि तत्रैकोन पञ्चाशत षट्स्वराः पञ्चत्रिंशत पञ्चस्वराः लक्षणं तु षाडवानां सप्तविधम् यथा ऋषभ निषाद पञ्चमहीनाश्व अश्वार स्थानाः षडजग्रामे मध्यमग्रामे तु षडजार्ष गन्धार हीनास्त्रय यस्तानाः एवमेतेपि षडवासु मूर्छनासु क्रियमाणा भवत्येकोन पञ्चाशत तानाः पञ्चस्वराणां तु पञ्चविधमेव लक्षणं यथा षडज पञ्चमहीना ऋषभ पञ्चमहीना गांधार निषादहीना इति त्रयस्थानाः षडजग्रामे मध्यमग्रामे तु षडजधे वदहीनो निषाद गांधारहीन इति द्वौ तानविति पञ्चस्वरासु सर्वासु मूर्छनासु क्रियमाणास्तानाः षट्त्रिंशत भवन्ति षडजग्रामे एकविंशति मध्यमग्रामे चतुर्दश एवमेते एकत्र गम्य मानाश्वर तुरशीति भवन्ति। भावार्थ ये है कि मूर्छना ताने 84 हैं, उनमें से 49 षट्स्वर वाली अर्थात शाड़व हैं तथा शेष 35 पंचस्वर युक्त अर्थात औड़व हैं। शाड़व ताने 2 ग्रामों को मिलाकर 7 प्रकार की बनती हैं। षडज ग्राम में री नी प तथा सा से विहीन 4 प्रकार तथा मध्यम ग्राम में सारी ग हीन 3 प्रकार तानु के होते हैं। अतः षडज ग्राम की 7 मूर्छनाओं में से प्रत्येक शह री नी प सा इन 4 स्वरों को वर्जित करने से कुल 7 × 4 = 28 और मध्यम ग्राम की 7 मूर्छनाओं में से प्रत्येक शह सारी ग इन 3 स्वरों को वर्जित करने से 7 × 3 = 21 प्रकार बनते हैं। अतः दोनों ग्रामों को मिलाकर शारव प्रकारों में 28 + 21 =
49 ताने कुल होती हैं। औरव अर्थात पंचस्वरी ताने दोनों ग्रामों में मिलाकर 5 प्रकार की होती हैं। शरज ग्राम में सापा, रीपा तथा गानी इन 3 जोड़ियों को प्रत्येक मूर्छना से वर्ज कर 3 प्रकार औरव तानों के होते हैं तथा शेष 2 मध्यम ग्राम की मूर्छनाओं से साधा तथा नीगा इन जोड़ियों को वर्ज करने से निष्पन्न होते हैं। शरज ग्राम की सप्त मूर्छना में बताए गए 3 प्रकार करने से 7 मूर्छनाएं गुना 3 बराबर 21 प्रकार की औरव ताने होती और मध्यम ग्राम की 7 मूर्छनाओं में से प्रत्येक शाह 2 जोड़ियां वर्ज करने से 7 गुना 2 बराबर 14 औरव ताने कुल होती हैं। इस प्रकार दोनों ग्रामों को मिलाकर पंचेश्वरी मूर्छना ताने 21 जमा 14 बराबर 35 होती हैं। अतएव 2 ग्रामों की शारव ताने 49 और औरव ताने 35 मिलाकर कुल ताने 49 जमा 35 बराबर 84 होती हैं। इन तानों का स्वर प्रस्तार यहाँ पर दी गई सारणी से नितांत स्पष्ट होगा। पेज 314। 1. शरज ग्राम की शारव ताने 28। सा रे पानी स्वर प्रत्येक मूर्छना से वर्ज कर 1 गुना रीगा मापाधानी 2 सा गुना गामा पाधानी 3 सारी गामा गुना धानी और 4 सारी गामा पाधा गुना। उत्तर मंद्रा मूर्छना के 4 शारव प्रकार। 5 नी गुना री गामा पाधा 6 नी सा गुना गामा पाधा 7 नी सा री गामा गुना धा 8 गुना सारी गामा पाधा। रजनी मूर्छना के 4 शारव प्रकार। 9, 10, 11 और 12 देखें। धानी गुना री गामा पा 10 धानी सा गुना गामा पा 11 धानी सारी गामा गुना 12 धा गुना सारी गामा पा। ये उत्तरायता मूर्छना के 4 शारव प्रकार हैं। 13, 14, 15, 16 शुद्ध षड्जा मूर्छना के 4 शारव प्रकार हैं। कृपया ध्यान से देखें। 13 पधनी गुना रीगामा 14 पधनी सा गुना गामा 15 गुना धनी सारी गामा 16 पध गुना सारी गामा। 17, 18, 19 और 20 मत्सरी कृता मूर्छना के 4 शारव प्रकार हैं। 17 मापधनी गुना रीगा 18 मापा धनी सा गुना ग 19 मा गुना धा नी सा रीगा 20 मा पा धा गुना सा रीगा। 21, 22, 23, 24 अश्वक्रांता मूर्छना के 4 शारव प्रकार हैं। गामा पा धनी गुना री 21, 22 गामा पा धनी सा गुना 23 गामा गुना धनी सारी 24 गामा पाधा गुना सारी 25, 26, 27 और 28 अभिरुद्धगता मूर्छना के 4 शारव प्रकार हैं। 25 रीगामा पाधानी गुना 26 गुना गामा पाधानी सा 27 रीगामा गुना धा नी सा 28 रीगामा पाधा गुना सा। 2. शरज ग्राम की औरव ताने 21 सा प री प ग नी जोड़ियां वर्ज कर। पहला उत्तर मंद्रा मूर्छना के 3 औरव प्रकार गुणा री ग म गुणा धानी, दूसरा सा गुणा ग म गुणा धानी, 3 सारी गुणा म प धा गुणा। 4, 5, 6 रजनी मूर्छना के 3 औरव प्रकार हैं। 4 नी गुणा री ग म गुणा धा, 5 नी सा गुणा ग म गुणा धा, 6 गुणा सारी गुणा मा पा धा। पेज 315। 7, 8, 9 उत्तरायता मूर्छना के 3 औरव प्रकार हैं। 7 धनी गुणा री ग म गुणा 8 ध नी सा गुणा ग म गुणा 9 ध गुणा सारी गुणा मापा। 10, 11 और 12 शुद्ध षडजा मूर्छना के 3 औरव प्रकार हैं। 10 गुना
ध नी गुना री गा मा, 11 गुना ध नी सा गुना गा मा, 12 प ध गुना सरी गुना मा, 13 14 15 मत्सरी कृता मूर्छना के तीन औरव प्रकार हैं, 13 म गुना धनी गुना री गा, 14 म गुना धनी सा गुना ग, 15 म प ध गुना सारी गुना, 16 17 18 अश्वक्रांता मूर्छना के तीन औरव प्रकार हैं, 16 ग म गुना धनी गुना री, 17 ग म गुना धनी सा गुना, 18 गुना म प ध गुना सारी, 19 20 21 अविरुद्धगता मूर्छना के तीन औरव प्रकार हैं, 19 री ग म गुना धनी गुना, 20 गुना ग म गुना धनी सा, 21 री गुना म पधा गुना सा। इस प्रकार शरज ग्राम की कुछ शारव ताने 28 जमा औरव ताने 21 बराबर 49 मूर्छना ताने निष्पन्न होती हैं। 3 मध्यम ग्राम की शारव ताने 21 स री ग स्वर प्रत्येक मूर्छना से वर्ज कर। 1 2 3 सौबीरी मूर्छना के तीन शारव प्रकार हैं। ध्यान से देखें, पहला म प धनी गुना री ग, दूसरा म प धनी सा गुना ग, 3 म प धनी सा री गुना, 4 5 6 हरिणाश्वा मूर्छना के तीन शारव प्रकार हैं। चौथा ग म प धनी गुना री, 5 ग ग प धनी सा गुना, 6 गुना म प धनी सारी, 7 8 9 कल्लोपनता मूर्छना के तीन शारव प्रकार, 7 री ग म प धनी गुना, 8 गुणा ग म प धनी सा, 9 री गुणा म प धनी सा। 10 11 12 शुद्ध मध्य मूर्छना के तीन शारव प्रकार, 10 गुना री ग म प धनी, 11 सा गुना ग म प धनी, 12 सा री गुना म प धनी, 13 14 15 मार्गी मूर्छना के तीन शारव प्रकार, नी गुना री ग म प ध, 14 नी सा गुना ग म प ध, 15 नी सा री गुना म प ध, 16 17 18 पौरवी मूर्छना के तीन शारव प्रकार, 16 धनी गुना री ग म प, 17 धनी सा गुना ग म प, 18 धनी सारी गुना मापा, 19 20 21 हृष्य का मूर्छना के तीन शारव प्रकार, 19 पधनी गुना रीगमा, 20 पधनी सा गुना गामा, 21 पधनी सारी गुना मा, 4 मध्यम ग्राम की औरवतानी 14 ग नी तथा री ध प्रत्येक मूर्छना से वर्ज कर, 1 म प ध गुना सारी गुना सौबीरी मूर्छना के दो औरव प्रकार हैं, दूसरा है म प गुना नीसा गुना ग, 3 4 हरिणाश्वा मूर्छना के दो औरव प्रकार हैं, 3 गुना म प ध गुना सारी, 4 ग म प गुना नीसा गुना, 5 6 कलोपनता मूर्छना के तीन औरव प्रकार हैं, री गुना म प ध गुना सा, 6 गुना ग म प गुना नीसा, 7 8 शुद्ध मध्या मूर्छना के दो औरव प्रकार हैं, सरी गुना म प ध गुना, 8 सा गुना ग म प गुना नी, 9 मार्गी मूर्छना के दो औरव प्रकार, 9 10 9 गुना सरी गुना म प ध, 10 नीसा गुना ग म प गुना, 11 12 देखें पौरवी मूर्छना के दो औरव प्रकार हैं ये, 11 ध गुना सरी गुणा मापा, 12 गुणा नीसा गुणा गामापा, 13 14 ऋष्य का मूर्छना के दो औरव प्रकार, 13 प ध गुणा सरी गुणा म, 14 प गुणा नीसा गुणा गामा। Page 317 अतः मध्यम ग्राम की कुल शारवताने 21 धन औरव ताने 14 बराबर 35 मूर्छना ताने मध्यम ग्राम के अंतर्गत निष्पन्न होते हैं।
उभय ग्रामों की कुल तानों की गणना 84 होती है। और षडज ग्राम की कुल शौर्य ताने 49 आ मध्यम ग्राम की कुल शाड़वोड़व ताने 35 दोनों ग्रामों की कुल शाड़वोड़व ताने 84। भरतोक्त साधारण विधि। भरतोक्त स्वर साधारण का उल्लेख किया जा चुका है। षडज तथा मध्यम उभय ग्रामों में सप्त शुद्ध स्वरों के अतिरिक्त नाट्य शास्त्रकार ने अन्य दो स्वरों को मान्यता दी है, एक चतुर्श्रुतिक गांधार तथा दो चतुर्श्रुतिक निषाद, चुक्रमशः अंतर गांधार तथा काकली निषाद कहलाते हैं। अपनी शुद्ध अवस्था की अपेक्षा द्विश्रुति से उत्कृष्ट अर्थात ऊपर चढ़ाए गए इन स्वरों के लिए साधारण नामक पारिभाषिक संज्ञा का प्रयोग नाट्य शास्त्र में हुआ है। साधारण अंतर स्वर के लिए पारिभाषिक संज्ञा है साधारणम नामांतर स्वरता कस्मात द्वयोरंतरस तथा तत् साधारणम यथा ऋत्वंतरे। साधारण से तात्पर्य दो स्वरों के मध्यवर्ती अर्थात अंतर स्वर से है। स्वरों का यह साधारण ऋतुओं के साधारण्य के सदृश है। वसंत तथा शिशिर के संधिकाल पर छाया में खड़े रहने पर शीत का अनुभव होता है तथा आतप में रहने पर तीव्र उष्णता का अनुभव होता है। प्रतीत होता है कि न तो वसंत ऋतु आई है और न ही शिशिर का संपूर्ण अवसान हुआ है। ठीक ऐसी ही धूप छा की सम्मिश्र अवस्था साधारण स्वरों की होती है। छायासु भवति शीतम प्रस्वेदो वा भवति चातपस्थस्य न च नागतो वसंतो न च निशेषः शिशिरकालः। नाट्य शास्त्र के अनुसार यह स्वर साधारण केवल गांधार तथा निषाद इन्हीं दो स्वरों में उपलब्ध होता है और साधारण होने पर यही स्वर क्रमशः अंतर तथा काकली संज्ञा को प्राप्त करते हैं। स्वर साधारण की प्रक्रिया का विवरण देते हुए भरत कहते हैं, स्वर साधारणम काकल्यंतर स्वरौ तत्र द्विश्रुति प्रकर्षणा निषादादयः काकली संज्ञौ निषादौ न षडजः द्वाभ्यामंतर स्वरत्वात् साधारणत्वं प्रतिपद्यते एवं गांधार स्वरो प्यंतर स्वर संज्ञः गांधारौ न मध्यमः तयोरंतर स्वरत्वात् अतेव स्वर साधारणं तस्मान् निषादः काकली संज्ञः कलात्वात् काकली पृष्ठद्वारा अति सूक्ष्मयादः अथवा काक्षित्वात् उभय संबंधत्वात् काकली संज्ञाः यथा शाश्राम रसानां मध्ये लवणं क्षार संज्ञः एवं निषादः काकली संज्ञः साधारण स्वर श्वांतर संज्ञौ भवति। Page 318 अर्थात स्वर साधारण दो श्रुतियों के प्रकर्षण से होता है। दो श्रुतियों से प्रकृष्ट गांधार और निषाद ग तथा मा और नी तथा सा इनके मध्यवर्ती स्थान पर स्थित होने के कारण साधारण कहलाते हैं। यह साधारण अवस्था गांधार तथा निषाद जैसे प्रकर्ष प्राप्त स्वरों की होती है, न कि मध्यम अथवा षडज की। काकली संज्ञा निषाद को दी जाती है न कि षडज को। उसी प्रकार अंतर संज्ञा गांधार को प्राप्त होती है न कि मध्यम को। साधारण स्वर के लिए स्थिति निदर्शन अंतर संज्ञा प्राप्त है, तथापि निषाद की साधारणावस्था काकली कहलाती है। भरत के अनुसार काकली का संबंध कलत्व अर्थात सूक्ष्मत्व, कृष्णत्व अर्थात अति सूक्ष्मत्व तथा काक्षित्व अर्थात उभय संबद्धत्व से है। ये उपादान साधारण नी में पाए जाते हैं, इसीलिए वह काकली कहलाता है। षड रसों के बीच जिस प्रकार लवण को क्षार संज्ञा प्राप्त है, उसी प्रकार निषाद के लिए काकली संज्ञा है। इसे संभवतः अभिप्राय यही हो सकता है कि क्षार का उपयोग जिस प्रकार आवश्यक होने पर भी अल्पमात्र में होता है, वैसा ही सूक्ष्म प्रयोग काकली निषाद का किया जाता है। प्रयोग की सूक्ष्मता के कारण यह कैशिक कहलाता है, ऐसा भरत का कथन है। अस्तु प्रयोग सूक्ष्म आता कैशिकम नाम निष्पद्यते। प्रत्यक्ष प्रयोग में इनका अल्पत्व कैसे रखा जाता है, इस संबंध में नाट्य शास्त्रकार का यह कथन सुने। एवं स्वर साधारणम अस्याल्प निषाद गांधारासु
जातिषु प्रयोगः, अर्थात स्वसाधारण का प्रयोग उन्हीं जातियों में किया जाता है जिनमें निषाद तथा गांधार का स्वल्प प्रयोग विहित है। यह प्रयोग केवल आरोह में विहित है, अवरोह में नहीं। स्वर साधारण्य के अतिरिक्त जाति साधारण का उल्लेख भरत ने किया है, जिसे तात्पर्य षडज ग्रामीण तथा मध्यम ग्रामीण जातियों की परस्पर समान स्वरावली से तात्पर्य है। भरत के शब्दों में जाति साधारणम एकम ग्रामान शानाम जातिनाम जात्योर्वा अन्यस्मिन ग्रामे प्रत्यग दिग्दर्शनम। जाति तथा जातिराग। गांधर्व संग्रह के अंतर्गत जाति का समावेश नाट्यशास्त्र में हुआ है, जो परंपरागत स्वरावलियों अथवा धुनों के वर्गीकृत समूह की अभिव्यंजना करने वाला है। पेज 319। राग शब्द परिभाषिक संज्ञा के रूप में नाट्यशास्त्र में अपेक्षाकृत न्यून मात्रा में पाया जाता है, परंतु वह राग प्रणाली के तत्कालीन अस्तित्व को प्रमाणित करने वाला है, इसमें संदेह नहीं। भरत के परवर्ती कोहल, कश्यप, याष्टिक, दुर्गशक्ति आदि संगीतज्ञों के द्वारा जाति की अपेक्षा राग प्रणाली का अधिक एवं सविस्तार विवेचन किया गया है। प्रतीत होता है कि इस समय तक प्राचीन जातियों का स्थान राग प्रणाली में ग्रहण कर लिया था। इसी को दृष्टिगत कर वैदेशिकार मतंग ने रागों का लक्ष्य लक्षण युक्त विवेचन प्रथम बार प्रस्तुत किया है। उनके शब्दों में रागा मार्गस्य यद रूपम यन्नोक्तम भरतादिभि निरूप्यते तदस्मा भिर्लक्ष्य लक्षण संयुक्तम। नाट्यशास्त्र में राग प्रणाली का अस्तित्व इन प्रमाणों से प्रमाणित हो जाता है। अंतर ग तथा काकलिनी जैसे साधारण संज्ञक स्वरों का विशिष्ट प्रयोग निर्दिष्ट करते हुए भरत जातिराग के उद्भव की बात इन शब्दों में उद्घाटित करते हैं। क्रियमाणो वरोही स्यादल्पौ वा यदि वा बहु जातिरागम श्रुतिम चैव नयन्ते त्वंतरे स्वराः। भरत का कथन है कि दो साधारण स्वरों का प्रयोग अल्पनिषाद गांधारा जातियों में केवल आरोह में किया जाना चाहिए। इसी प्रकार का प्रयोग उन जातियों के लिए रक्ति जनक सिद्ध हो सकता है। इसी के विपरीत इन स्वरों का प्रयोग अवरोह में करने से श्रुति भिन्नत्व के साथ जातिराग की निष्पत्ति होती है। यहाँ जाति तथा जातिराग के मध्य में विभेद भरत को अभिप्रेत है, इसमें संदेह नहीं। यह उल्लेखनीय है कि जातिराग का उद्भव जाति नियम उल्लंघन से बताया गया है। इस स्थान पर जातिराग से तात्पर्य जाति के रक्ति गुण से कथम अपि नहीं लिया जा सकता, जो कि भरत को अन्यत्र ग्राह्य है। यह राग का अर्थ रक्ति गुण लिए जाने से जाति के नियमित स्वरूप में रक्ति गुण का अभाव मानने की अनिष्टापत्ति आ जाएगी। जाति के अंतर्गत साधारण स्वरों का आरोही प्रयोग जाति के रक्ति गुण को देखकर ही किया जाता होगा, यह तथ्य नितांत स्पष्ट है। जाति नियम के परिपालन में रक्ति का अभाव और उल्लंघन में रक्ति का उद्भव विरोधाभासी कहा जा सकता है। भरत के अनुसार स्वर साधारण विषयक नियम लंघन से जो परिणाम निकलता है वह जाति न कहलाते हुए जाति राग संज्ञा से संज्ञित होगा। पेज 320। जाति तथा जातिराग के बीच एक महत्वपूर्ण विभेद का आभास यहाँ प्राप्त होता है। जातियों में नियम का परिपालन कठोरता से किया जाता है, जातिराग में नियमों की शिथिलता सहा है। संगीत रत्नाकर की परिभाषा में जाति यदि मार्ग संगीत है तो जातिराग देशी संगीत है। जाति शास्त्रीय नियमों से आबद्ध तथा सीमित है तो जातिराग इन नियमों से परे देश रुचि तथा लोक रुचि पर अवलंबित है। दूसरे शब्दों में जाति अभिजात समाज की वस्तु है तथा जातिराग लोक व्यवहार में नित्यशः प्रयुक्त होने वाली वस्तु है। अध्याय 33 में मृदंग की त्रिविध मार्जना के विवरण में जातिराग का यह उल्लेख उपलब्ध है। कृपया ध्यान दें, एतेषां अनुवादी तू जातिराग स्वरान्वितः आलिंगे मार्जनम प्राप्य निषादस्तु विधीयते। मृदंग वाद्य के गुणों का विवेचन करते हुए नाट्यशास्त्र में विशिष्ट रागों के साथ मृदंग की समीचीन संगति का स्पष्ट विधान पाया जाता है। स्फुट प्रहारम विशदम विभक्तम रक्तम विघुष्टम करलेपनम च
त्रिमार्जनम, पूरी, तरागयोगम, मृदंगवाद्यम गुणतो वदन्ति, अर्थात वही मृदंग वादन श्रेष्ठ है जो बोलों की विशदता, स्पष्ट प्रहार, रक्ति गुण आदि के साथ अभिष्ट राग की रम्यता को वृद्धिगत करे। यह रक्ति गुण का उल्लेख पृथक होने के कारण पूरी तराग योगम में राग शब्द को विशिष्ट पारिभाषिक संज्ञा के रूप में ग्रहण करना सुसंगत है। नाट्य शास्त्र में कुतप विन्यास अथवा वाद्य वृंद नियोजन के संबंध में ग्राम राग तथा मूर्छनाओं का उल्लेख इस प्रकार इन शब्दों में किया गया है। स्वरंगा भी मुखमादंगी पाणविक दार्दिरेकेशु गायक गायिका वंशिक वैणिक संहितेशु अशिथिलाय तंत्री बद्धा स्तनितेशु आत्यौदेशु आत्यौदेशु यथा ग्राम राग मूर्छना मार्जनानु लिप्तेशु मृदंगेशु प्रथममेव त्रिसामः कर्तव्यः। Page 321। यहाँ मृदंग वादक के लिए यह आवश्यक माना गया है कि वह ग्राम राग तथा मूर्छना के अनुकूल अभिष्ट मार्जना की स्थापना मृदंग पर संपादित करे, तभी उस मृदंग का वादन गायकों के द्वारा गाए जाने वाले विशिष्ट राग तथा मूर्छना की योग्य संगत करने के लिए पात्र हो सकता है। मृदंग वादन में कनिष्ठिका के प्रयोग का निर्देश करते हुए राग शब्द का उल्लेख इसी पारिभाषिक अर्थ में नाट्य शास्त्र में उपलब्ध होता है। वादक कनिष्ठिकाभ्याम शीघ्र गताभ्याम तु कर्णराग वर्णाः शेषास्तु वादन कृताः स्मृताः प्रकाराश्च वाद्यानाम। तात्पर्य यह है कि मृदंग के विविध करण तथा रागों के आरोह अवरोह रूप वर्णों का वादन कनिष्ठिका अंगुली से किया जाना चाहिए। आधुनिक संगीत में भी गायक के द्वारा गाए गए स्वरावर्तों का यथार्थ अनुकरण मृदंगों पर किया जाता है। यह तथ्य संगीतज्ञों के लिए अनुभव सिद्ध है। तालों के विवरण में विविध पातों का उल्लेख करते हुए ध्रुव नामक पात को भरत राग प्रणाली में उपयुक्त मानते हैं। ध्रुवम तु मात्रिकम पातः रागमार्ग प्रयोजकः। ग्राम रागों का स्पष्ट नाम निर्देश अध्याय 32 में उपलब्ध है, जो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि ग्राम रागों का प्रवर्तन नाट्य शास्त्र के निर्माण काल में हो चुका है। ग्राम रागों के अस्तित्व को प्रमाणित करने वाले ये कुछ श्लोक हैं। मुखे तु मध्यम ग्रामः षडजः प्रतिमुखे स्मृतः साधारितम् तथा गर्भे मर्षे कैशिक मध्यमः कैशिकम् च तथा कार्यम् गानम् निर्वहणे बुधे संधि वृताश्रयश्चैव रस भाव समन्वितः। Page 322। नाटक की मुख संधि में मध्यम ग्राम राग की योजना की जानी चाहिए। प्रतिमुख में षडज ग्राम राग का प्रयोग किया जाना चाहिए। गर्भ संधि के अंतर्गत साधारित विमर्श संधि के अंतर्गत कैशिक मध्यम तथा निर्वहण संधि के कैशिक राग का प्रयोग किया जाना चाहिए। मतंग की वृहदेशी में भरत के नाम से कुछ उद्धरण प्रस्तुत हैं, जो सप्त ग्राम रागों के प्रवर्तन का प्रमाण उपस्थित करता है। मुखे तु मध्यम ग्रामः षडजः प्रतिमुखे भवेत गर्भे साधारणिश चैवाश विमर्शे तु पञ्चमः संहारे कैशिकः प्रोक्तः पूर्वरंगे तु षडवः चित्रस्य अष्टादे शांगस्य त्वन्ते कैशिक मध्यमः शुद्धा नाम विनियोगो अयम ब्रह्माणा समुदाहता। बताए गए उद्धरण के आधार पर स्पष्ट हो जाता है कि इन सप्त ग्राम रागों को शुद्ध एवं ब्रह्मोक्त माना जाता रहा है। मतंग के अनुसार जाति तथा ग्राम राग के बीच जन्य जनक संबंध भरत मुनि को अभिप्रेत है। ननु एते ग्राम विशेष संबंधाः हुतो अयम विशेष लाभाः उच्यते भरत वचना देवासौ विशेषो लभ्यते तथा चाह भरत मुनिः जाति सम्भूतत्वाद ग्राम रागाणामिति यत किंचिदेतय गीयते लोके तद सर्वजातिषु स्थितिमिति वचनात। यद्यपि नाट्यशास्त्र के उपलब्ध संस्करणों में जाति तथा ग्राम राग के संबंध पर प्रकाश डालने वाला उपयुक्त वचन नहीं प्राप्त होता, तथापि इस तथ्य को देखते हुए कि मतंग के वृहदेशी भरतमत का अक्षरशः अनुवाद है तथा भरत के नाम से उद्कृत उद्धरणों में से अधिकांश नाट्यशास्त्र के उपलब्ध संस्करणों में पाए जाते हैं, ये स्वीकृत किया जा सकता है कि भरत के नाम से उद्धृत
उपयुक्त मान्यता भारत परंपरा की प्रातिनिधिक है। उपयुक्त विवरण से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारत के कालखंड में जाति तथा राग दोनों की परंपरा समांतर रूप से प्रचलित थी। जातियों का मूलाधार यद्यपि प्रचलित जन संगीत था, तथापि नियमों के संस्कार एवं परिष्कार से उन्होंने श्रेष्ठ जनसम्मत संगीत का स्थान प्राप्त कर लिया था। नाटकों में उनका गायन निश्चित स्वर, ताल, लय, गीति तथा प्रसंग आदि नियमों से नियंत्रित था। इन नियम में यत्किंचित परिवर्तन भी जाति राग के निर्माण का कारण बन जाता था। संगीत रत्नाकर कार के अनुसार जातिका संगीत के अंतर्गत स्थान वेद मंत्रों के तुल्य है। जिस प्रकार वेद मंत्रों का स्वर, वर्ण आदि के संबंध में उल्लंघन हानि की संभावनाओं से भरा रहता है, उसी प्रकार जातियों का प्रयोग भी नियत स्वर, पद तथा ताल के विपरीत नहीं किया जा सकता। ऋचो यजुषिम सामानी क्रियते नान्यथा यथा तथा साम समुद्भूता जातयो वेद सम्मितः। Page 323। जैसा आरंभ में निर्दिष्ट किया गया है कि राग परंपरा का सविस्तर विवेचन भरत के अनंतर कोहल, काश्यप, याष्टक, शार्दूल तथा मतंग आदि संगीतज्ञों के द्वारा किया गया है। मूर्छना क्रम के विवरण में कोहल जाति तथा राग दोनों का स्पष्ट उल्लेख करते हैं। योजनीयो बुद्धेर नित्यम क्रमो लाक्षानुसारतः संस्थाप्य मूर्छना जाति राग भाषादि सिद्धे। कोहल के संबंध में आचार्य अभिनव गुप्त का कथन है कि उन्होंने विविध रागों में गाए जाने वाले राग काव्यों का निरूपण किया है। परंपरा के अनुसार कोहल भरत के प्रधान शिष्यों में से हैं, यहाँ तक कि नाट्य शास्त्र में अविवेचित एवं अवशिष्ट अंश प्रस्तार रूप से कोहल के द्वारा विवेचित होने के बाद नाट्य शास्त्र की इस पंक्ति में स्पष्टतः उल्लेखित है। शेषम प्रस्तार तंत्रेण कोहल कथयिष्यति। भरत तथा कोहल का पारस्परिक संबंध यह मानने के लिए बाध्य करता है कि कोहल का राग काव्य विषयक विवेचन नाट्यशास्त्र के पूरक के रूप में हुआ है तथा नाट्यशास्त्र की प्राचीन परंपरा को वहन करने का श्रेय उसे प्राप्त है। मतंग की वृहदेशी से स्पष्ट है कि राग प्रणाली की मौलिक चर्चा कश्यप के द्वारा हुई है। जातियों के अंश स्वरों के विनियोग के संबंध में अभिनव गुप्त कश्यप के नाम से निम्न वचन प्रस्तुत करते हैं। पूर्वरंगे तू शाड़वः। Page 324। ग्राम रागों के विभिन्न अंग तथा नाट्यांतर्गत विनियोग के संबंध में कश्यप की निम्न मान्यता मतंग के द्वारा उद्धृत है। तथा चाह काश्यपः क्वचिदंशः क्वचिन्यासः शारवौड़विते क्वचित अल्पत्वं च बहुत्वं च ग्रहोपन्यास संयुक्तम् मंद्रतारौ तथा ज्ञात्वा योजनीयं महर्षिभिः ग्रामरागाः प्रयोक्तव्या विधिवता दशरूपके। पूर्वरंगे तु शुद्धा स्याद भिन्ना प्रस्तावनाश्रया वेसरा मुखयो कार्यो गर्भे गौड़ी विधीयते साधारणिता विमर्शः स्या हणे स्याता सर्वदा।